कपुरुष इकट्ठे नहीं रह सकते, स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कौन सा रास्ता अपना लिया, हम हार करके चल रहे हैं या जीत की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब जीवन में हम हार करके चल रहे हैं, रोजमर्रे का जीवन ऐसा अपना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो पढ़ाई का पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। गीता का ज्ञान झूठा हो गया, डायरेक्शन दे दिए। कन्या ज्ञान में नहीं चलती है उसकी शादी कर दो, जो शादी होते नहीं चाहते हैं, जो शादी होते नहीं चाहते हैं माँ के पास करते हैं, जबरदस्ती कर दो। कंट्रोल करो, घर से बाहर मत निकलने दो, घर से बाहर मत निकलने दो। उनको चाचा जी के पास रहेगा, चाचा जी के पास भेज दो, चाचा जी शादी करे, चाचा जी अपने घर में रखे, माँ सहयोग करे, माँ सहयोग करता है, माँ सहयोग करता है, माँ सहयोग करेगा या बाप सहयोग करेगा तो इसमें बाबा की क्या गलती। बाप तो ज्ञान में नहीं चला, माँ ज्ञान में चला, वो सहयोग करता है। बाप ज्ञान में नहीं चला है इसका मतलब ये हुआ कि प्रवृत्ति मार्ग अभी ज्ञान मार्ग में है ही नहीं। हाँ जी, यहाँ तो द्रौपदी भी ज्ञान में चलने वाली चाहिए और पांडव भी ज्ञान में चलने वाले चाहिए। उसको दोष लगेगा नहीं, माँ को दोष में तब लगेगा जब वो श्रीमद पर नहीं चलेगी। सहयोग इंद्रियों से नहीं होता है, सहयोग मन से होता है। मन जब विकारों का रस लेने लग पड़ता है तो सहयोग हो जाता है। इंद्रियों को जबरदस्ती वशीभूत करके पुरुष विकारी बनाता है, मन बुद्धि उपराम हो गई तो विकारी नहीं है, आत्मा निर्विकारी है, बाप का बच्चा है। मुर्दा बनने की बात है, बाबा ने बोला है पाकिस्तान का नाम तो उड़ जाएगा, पाकिस्तान का नाम तो उड़ जाएगा, एकमात्र पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा, एकमात्र पाकिस्तान खंडो रहेगा। पाकिस्तान, नेपाल और ये जो जितने भी आसपास के देश हैं, भूटान वगैरह, वो सब हिंदुस्तान में मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी खंडित भारत है, क्या होगा, अखंड भारत हो जाएगा। हाँ तो बाबा बोला है पाकिस्तान का नाम क्यों बोला, पाकिस्तान का नाम क्यों बोला, अभी है ना प्रैक्टिकल में, अलग अलग देश तो है, अलग अलग है तो खंडित भारत है ना, पहले भी खंडित था क्या,
पहले तो अखंड था, पहले अगला से पाकिस्तान नहीं था, शासन पहले नहीं था, 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, बाद में पाकिस्तान हुआ। बांदेली माता, हाँ हड्डी खाने का, हड्डी खाना चाहते हैं, हाँ नहीं है, वो परमिशन नहीं देता, हाँ जी भट्टी कर दे घर में, घर में ही भट्टी जमा दे, ऐसे भट्टी कैसे है, लगन की बात है, ज्ञान कहाँ से ले लिया, कहाँ से ले लिया, तो कैसे आई आश्रम में आने के लिए मना है जिन्होंने भट्टी नहीं किए, आश्रम में या गीता पाठशाला में आने के लिए मना तो नहीं किया गया, भट्टी नहीं की है तो भी क्लास कर सकते हैं, बाबा के तो बच्चे बने ना पहले, घर में ही भट्टी करके ऐसी लगन दिखाते हैं जो दूसरों को पता चले ये तो बाबा का बच्चा बन गया, कोई कह नहीं सकता ये बाबा का बच्चा नहीं, बाबा भी उसे स्वीकार कर लेंगे, तो परमानेंट भट्टी हो जाती है बांदेली माताओं की। है बांदेली माताओं को अगर बंधन लगाया जाता है, लगातार बंधन है और वो लगातार क्लास कर रही है, तो भट्टी नहीं भी करेंगी तो भी उनको परमिशन मिलेगी, एक एक सितारे में एक एक दुनिया है, वो सब सितारे अपने को सूर्य में मर्ज कर देंगे, जैसे सूर्यवंशी अपने मान मर्तव्य को सूर्य के मान मर्तव्य में मर्ज कर देते, अलग से कोई मत नहीं, जो बाप का मत सो हमारा मत, जो नारायण का मत वो सारी प्रजा का मत, पूरा परिवार एक हो गया, सारी वसुधा ही एक कुटुंब हो गया, द्वापर युग से भले दुनिया बनाए अपनी अपनी, त्रेता तक 2500 वर्ष एक ही दुनिया रहेगी, भले राज्य भी अलग अलग हो जाएंगे, राम राज्य में अनेक राजाएं होंगे फिर भी वो एक के कंट्रोल में होंगे, द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं होगा, पांच दिन ही दिन होगा सितारों का अस्तित्व,
वहां रात होगी ही नहीं। जब रात ही नहीं होगी तो सितारे दिखाई देंगे? दिखाई नहीं देंगे। परमा की अवस्था परमाती अवस्था हो गया, किसी को नहीं हुआ, फिर तो रोग शोक नहीं आना चाहिए। कर्मातीत अवस्था किसी को नहीं हुआ क्या? कर्मातीत अवस्था जिसकी हो जाएगी उसको कोई रोग आक्रमण करेगा नहीं? नहीं करेगा। कोई विरोध करेगा? वाचा से विरोध करेगा? अरे वाचा से भी विरोध नहीं करेगा, दृष्टि मात्र से भी विरोध नहीं करेगा। कर्मातीत की निशानी है, किसी से भी उसका विरोध नहीं होगा। जो नजदीक आवेगा वो उसी का बन जाएगा। पारसनाथ बन जाएगा, पारस पत्थर बन जाएगा। कब होगा? अभी अभी बताया तपो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं, और सुनते सुनते भूल गए। तब से अव्यक्त वाणी में बोलते आ रहे बाबा। बाबा क्या करो, संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। तो डेट तो क्या, कम से कम वर्ष तो बुद्धि में फिक्स होना चाहिए। बाबा बाबा प्रबंधन से चला गया, जन्म जन्मांतर हमारा साथ में रहूंगा। जन्म जन्मांतर साथ में रहूंगा निराकारी जावेगा, साकारी जन्म जन्मांतर साथ रहेगा, और साथ उनके रहेगा जो यहाँ साथ है। यहाँ विरोधी है तो वहां भी विरोधी बन के रहेगा। यहाँ के साथी और सहयोगी वहां के जन्म जन्मांतर के साथी और सहयोगी बनेंगे। यहाँ संकल्प मात्र से भी अगर विरोध करते हैं तो शूटिंग हो रही है। यहाँ संकल्प का बीज पड़ा और वहां प्रैक्टिकल में साकार में होगा। यहाँ संकल्पों का भी विरोध, वहां की बड़ी लड़ाई हो जाएगी। वो क्या करेगा, वो पिताजी चाचा चाची बेटी एक तरफ, कन्या घटी गया, माँ घटी गया, बाप ज्ञान में नहीं चला। वो धमक देता है तुमको खाने के नहीं देती, हमारा पास नहीं होती, वो क्या करेगा? छाड़ पत्र भी नहीं देगा। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? चाचा जी और इसके सब संबंधिया उसको फिर सब पिलाते हैं। अरे जो हिंदी जानते हैं सो बोलो ना। माता जी किसे लगाई? माता जी इन लोगों ने समझा नहीं, आप बोलिए। पंजाब माँ बेटी घोटी किया, ज्ञान में भी थोड़ा दिन चला, थोड़ा दिन चला, उसके बाद कन्या आना भी नहीं देती है। वो क्या करे, वो स्वामी भी वो नहीं देता है, छाड़ पत्र भी नहीं देता बाप के, बाबा शादी हो रहा है। माँ बेटी ज्ञान में चलती है, उसको चाचा चाची जितना ताऊ पाऊ है
पूरे संबंधी ज्ञान में नहीं चलते, नहीं चलते हाँ। उसको विरोध करते हाँ। उसको घर से भी निकाल देते, वो क्या करे? घर से निकाल दे, पुलिस में जाके रिपोर्ट करो, रिपोर्ट की कॉपी लो और चाहे जी शासन में जाके बैठ जाओ। वो पूछ रहे हैं बता तो दिया, बाबा तो बता, घर में से निकाल दिया जिसके साथ साथ फेरे किए, वो भी निकाल, जिसके साथ साथ फेरे किए, सामाजिक समाज के बीच में बैठ करके शादी रचाई, साथ देंगे ये अंजाम किया और फिर घर से बाहर निकाल दिया। तो चार लोगों को इकट्ठा करके थाने में जाओ और रिपोर्ट लिखाओ कि शादी करने के बाद हमको घर से बाहर निकाल दिया मारपीट करके, चोट का निशान है तो जाकर के हॉस्पिटल में रिपोर्ट लो। अरे जब हम अलग ही हो जा रहे हैं, छोड़ क्यों दे? धर्म कोई छोड़ता है? अपना धर्म क्यों? ये अलग होने के बाद है, धर्म क्यों छोड़ दे? बाबा का घर में रहेंगे तो छोड़ पत्र दो, नहीं होता नहीं देगा क्या? हमारा पति बोलता है वो पुलिस में जाकर कि तुमने जो रिपोर्ट लिखाई है वो रिपोर्ट तो लेके आओ, पत्र भी नहीं देगा। अब चोट जो लगी है, मारपीट हुई है, वो रिपोर्ट तो लेके आओ हॉस्पिटल में से, मारे डर के और मारे मोह के तो मरे जा रहे हैं। मैं बाबा के घर में रह जाएंगे, तुम झाड़ पत्र तो नहीं देगा। झाड़ पत्र क्या होता है? कोई पैसा तलाक 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 देना, जिसे तलाक देना होगा वो खुद जाकर के कोर्ट में तलाक देगा। हम काहे के लिए तलाक दें? हम कोई विदेशी माता है क्या? हम तलाक नहीं देते, तुमने घर में से बाहर निकाल दिया मैंने तुमने तलाक दे दिया। वो घर में बुलाता है, बोलता है तो ज्ञान छोड़ दो, नहीं तो बाबा के घर में जाएंगे तो हमारा सब कुछ हमको लिख दो, तुम चला जाओ, वैसा नहीं देगा। कुछ लिखने की दरकार नहीं, बता दिया घर में से निकाल दे, चोट का निशान है जाकर के हॉस्पिटल में कागज लो, चेकिंग कराओ, रिपोर्ट की कॉपी लो और दोनों कागज लेके चाहे जहाँ चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा के घर में उस सभा में रहेंगे तो रहेंगे, और हंस बगुले इकट्ठे वैसे भी नहीं रह सके, बहुत अशांति है। आज नहीं तो कल हंस बगुले तो अलग अलग होंगे ही, नाली के कीड़े नाली में ही रहेंगे। करो ना, अब बाबा ने इशारा दे दिया वर्ष का 2018 का, बाबा ने वर्ष का इशारा दे दिया, अब तुम महीना निकालो डेट निकालो, कुछ तुम भी तो करो। ये तो बताया कि पहले अपने दिल से ये डेट पुश करो कि विश्व का सब आपको बाबा का वर्ष मिल जाए, तो पहले मिल जाएगा, पहले ये डेट पहले आप हुए, दूसरों की बात छोड़ दो, पहले खुद मर जाओ, पहले देह भान से खुद मर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। खुद कर्मातीत बने तो अपने संपर्क में आने वाले भी सब कर्मातीत बनेंगे। जो हो जी हाँ जी हाँ जी कुमार अधर कुमार कुमारी और माता बेहद में किसको कहेंगे? इसका मतलब हद में तो समझ लिया ना प्रकाश भाई, कौन है?
अंत में कौन होते हैं सो बता दो पहले। इसकी शादी नहीं हुई होती। हाँ, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है विकार में जाने का, वो है कुमार। और हाँ, जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है विकार में गोते खाने का, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मारपीट के विकार में डाल दो, समाज भी कुछ नहीं कर सकता। शादी की माना माता है, शादी नहीं की है, माता नहीं है, कुमारी है। हाँ, और बेहद की क्या बात है? बेहद में तो तब जाएगा जब अंदरूनी बात हो। कोई ऐसे होते हैं बाहर से कुमार है और अंदर से किसियों शादी की हुई है। तो बेहद के अधर कुमार हुए या हद के हुए? बेहद के अधर कुमार हो गए। हाँ जी, परमातीत कैसे बन सकता है? प्रैक्टिस करो कर्म करते हुए याद में रहने की। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहने की प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, निरंतर याद रहे, तो कर्मातीत कह रहे। अंतर पड़ गया याद में, कर्मेंद्रियों का भोग भोगने में बुद्धि चली गई या रस लेने लगे। जैसे बाबा कहते हैं, भोजन करने बैठता हूं, एक दो गिट्टी खाई और बाप की याद भूल गई। उसे कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। देहरादून के पास एक गांव है चकराता, जहां दुगुना देह अभिमान रहता है, उसका नाम बेहद में है देहरादून। इतना देह अभिमान रहा, दून दुगुना देह अभिमान रहा। वहां का एक गांव है, उस गांव में ये यादगार चल रही है अभी तक भी, भक्ति मार्ग की यादगार है, संगम युग की यादगार है। कि ऐसी जो द्रौपदी होती है उसमें दोगुना देह अभिमान होता है। अगर देह अभिमान दोगुना नहीं होता तो दुर्योधन की हंसी नहीं उड़ाती। कारण कहां से शुरू हुआ? दुर्योधन दुशासन ने लड़ाई शुरू की या द्रौपदी ने शुरू की? कारण कौन बना? द्रौपदी कारण बनी। कन्या माताओं का देह अभिमान प्रसिद्ध होता है। उन कन्या माताओं की मुखिया है जगदम्बा। के मुकाबले स्त्रियों में दो गुना देह अभिमान होता है। विकारी पुरुष होते हैं,
कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी पुरुष होते हैं, लेकिन देह अभिमान स्त्री जाति में होता है। द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा को रावण का सर गधा दे दिया, वो आत्मा की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन। इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में लौट जाता है। सूक्ष्म शरीर होने के कारण पावरफुल आत्मा है। इसके द्वारा लौट जाता है। अपना शरीर तो है नहीं है, उदम्बा की शरीर के द्वारा वो तो अंतिम उनका रूप है। बात कहाँ से होती है, जगदम्बा पहले या जगत पिता पहले? हाँ जी बाबा, रुद्रमाला और विजयमाला का मणका एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? रुद्रमाला का पहला मणका और लास्ट मणका पहचान लिया? अरे पहचान लिया कि नहीं है? जिसने पहचान लिया वो तो हाथ उठा दो। एक दो तीन चार हाथ उठ रहे हैं बस है? पहचान लिया कौन है? अजय पिता और जगदम्बा। तो जब पहला दूसरा मणका रुद्रमाला का पहचान लिया तो विजयमाला में पहला और अंतिम मणका नहीं होगा? दो का पार्ट खुल सकता है तो 108 का नहीं खुल सकता है? खुल सकता है। आठ प्रत्यक्ष हो सकते हैं तो 16 भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं, तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं है? ज्ञान के नेत्र से पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। पहचानेंगे तो बुद्धियोग एक दूसरी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा है? वो पहचान के बारे में बाबा बोलेंगे या अपना अपना आप ढूंढ लेंगे? चिंता बड़ी भारी हो रही है। बाबा की याद की चिंता नहीं हो रही है। पहले अपना संगी साथी ढूंढने की चिंता हो रही है। आप बताओ जिनको ये चिंता हो रही है वो विदेशी मणके हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी बाल बच्चे अपना संगी साथी अपने आप ढूंढने लग पड़ते हैं, और जो स्वदेशी बाप के बच्चे होते हैं वो माँ बाप को निमित्त बनाते हैं, अपनी चिंता अपने आप नहीं करते। और एक दूसरे को पहचानने के बाद और मजेदार बात, और एक दूसरे को पहचानने के बाद उस समय उन दोनों का कौन सा काम चलेगा? ये मेंटेलिटी है, है? धन्य हो।